गुड़गांव इज ओनली रियल स्टेट, उससे पहले कुछ भैंसे थी। गुड़गांव का इतिहास लिखा जाएगा तो वो शुरू होगा कि जैक वेल्च हेलीकॉप्टर पे उतरा, उसको इंडिया छोड़ के जाने वाला था, किसी तरह कन्विंस हो गया कि यहाँ एक ऑफिस बिल्डिंग बन जाएगी खेतों में, अगर डेली ठीक टाइम पे अपने एक्ट को पुट टुगेदर कर लेता तो गुड़गांव चोरी शायद शुरू नहीं होती। दिल्ली में भी एकड़ों जमीन अगर कुछ इंटरनेशनल पैनल्स ला के वर्ल्ड क्लास कमर्शियल सेंटर्स बना देते तो कौन भैंसों के बीच में पहली बिल्डिंग बनाता। अब ये ट्रेंड पहले था मिडिल क्लास तक, अपर मिडिल क्लास तक, 5-6 सालों में द एलीट जेंट्री इज लुकिंग टू बिग इंडस्ट्रियल्स, सेलिब्रिटीज आर लुकिंग टू बाय समथिंग इन गुड़गांव। 100 रुपए फुट नियर अलियास, मैं चैलेंज करता हूं, मुझे कोई चीफ मिनिस्टर आए, मुझे 3 साल की असाइनमेंट दे दे, मैं आपके गुड़गांव को कम से कम दुबई बना दूंगा। दुनिया भर में ट्रॉफी प्रॉपर्टी बनी है, यहाँ भी बनेगी। हर साल मार्केट ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, इट्स अ वेरी एडवेंचरस रेवोल्यूशन, जिसका उसका किसका लग जाता है ना, उसको दूसरा सो कॉल्ड ऑर्गेनाइज सेक्टर बड़ा बोरिंग लगता है। गुड़गांव का एक्चुअली में जेनेसिस कब से स्टार्ट हुआ? ₹55,000 से सैलरी उन्होंने मेरी 1 करोड़ कर दी 6-7 साल में। आपने कौन सी कार ली थी सबसे पहले? तो मैंने अपने सियाल की सेकेंड हैंड मारुति ली थी। State, like real estate, you are creating for a medium term, long term, your family security, and get into it with that mindset. In the long term, you will beat all the pennies you collect while speculating.